साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, बहुत ज़बरदस्त हो गई है। कहानी में ट्विस्ट आ गया है और ट्विस्ट ऐसा है कि इसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, सस्पेंस है और आखिर में क्लाइमेक्स भी है। नीतीश गुट और लालू का गुट दोनों एक दूसरे को धमकाता है, चिढ़ाता है और बाद में सरकार चली ना जाए इसके लिए एक दूसरे को सहलाता भी है। लेकिन इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर के बात करूंगा, उनको सेंटर में रख करके, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरीके से अपने सहयोगी ही नहीं बल्कि बाकी दलों के लिए भी फुटबॉल बन गए हैं। कोई उन्हें उछालता है, मारता है, मतलब आप समझिए। और नीतीश कुमार के साथ कौन कौन कर रहा है इन चेहरों को भी पहचान लीजिए, एक एक करके मैं सबकी कहानी भी दिखाऊंगा। लालू हैं, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं जो रणनीतिकार हैं, जीतन राम मांझी हैं, इनके सबसे बड़े विश्वास पात्र जिनको मुख्यमंत्री बनाए थे, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और KCR भी हैं। अब आपको एक एक करके चीज़ें अगर याद ना आ रही हो तो मैं दिखाऊंगा, एक बड़ी कहानी भी बताऊंगा। और नीतीश कुमार फुटबॉल क्यों बन गए हैं ये भी तो आपके मन में सवाल उठ सकता है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन्होंने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बार बार पाला बदला, जिस तरीके से लोगों के विश्वास को खोते चले गए, उस वजह से आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि ना वो घर के बचे हैं और ना ही घाट के। हर कोई उन्हें बेइज्जत कर रहा है। और ये कहानी क्यों मेरे दिमाग में आई ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक जो सबसे ताज़ा तरीन खबर है वो प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है, बाकी मीडिया चैनलों ने दिखाया नहीं। और अगर कोई अच्छी बात होती ना तो लंबी लंबी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते। प्रशांत किशोर ने क्या कहा आप रिपोर्ट देखिए। अब भी पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के संपर्क में CM, प्रशांत किशोर का दावा। अब प्रशांत किशोर सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, सब मानते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो नीतीश कुमार है वो फिर से पाला बदल लेंगे। अब क्यों बदलेंगे? वैसे ही मैं कई कहानियां दिखा चुका हूं कि दोनों के बीच में खटास बढ़ गई है, दोनों एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो ये कहानी सामने आई। लेकिन तुरंत JDU ने देर नहीं लगाई, प्रशांत किशोर को एकदम जवाब दिया और बोला उनकी हैसियत क्या है। अब हैसियत क्या है ये तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन प्रशांत किशोर अगर सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे और JDU को उसका जवाब देना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, कोई तो ऐसी बात है जो उनको परेशान किए जा रही है। अब प्रशांत किशोर का महत्व क्या है, हैसियत क्या है? JDU ही नहीं, नीतीश कुमार और पूरे देश को पता है कि जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो अपनी रणनीति बनाने के लिए किसे चुना, किसे बुलाया? रिपोर्ट देखिए। 13 सितंबर को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं तो आपको एक सांकेतिक रूप से दिखा दे रहा हूं कि नीतीश कुमार और PK ने मुलाकात की, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, ये तो बात की बात है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तब और बड़ी खबर निकली। प्रशांत किशोर ने ही बताया, प्रशांत किशोर ने ये बताया कि नीतीश कुमार ने उन्हें JDU का अध्यक्ष बनने का ऑफर दे दिया था। कोई खंडन नहीं है, बस यही बोलते रहेंगे कि हैसियत क्या है, ये क्या है, और बुलाया खुद नीतीश कुमार ने था। बाद में इनके नेता बोल रहे थे कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब कुछ भी बनना चाहते हो लेकिन आप पार्टी का अध्यक्ष जिसे बना रहे हैं बुला करके, जो पार्टी में भी नहीं है, तो उसकी हैसियत क्या है ये तो आप खुद भी समझते हैं ना। लेकिन जानते हैं प्रशांत किशोर ने जो नीतीश कुमार ने ऑफर दिया था ना उसको ठुकरा दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, पार्टी के अध्यक्ष बनने का ऑफर और जिस पार्टी की सरकार है उस राज्य में, जो भावी प्रधानमंत्री जिसको पार्टी बताने लगी है, अब क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्यों ठुकराया ये देख लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि भैया आपकी जो आपका जो महागठबंधन है ना उसने विकास का कोई काम नहीं किया, सिर्फ दावे वादे सब खोखले हैं, पहले काम करो फिर मैं शामिल हो जाऊंगा। तो ये स्थिति है, ये हैसियत है प्रशांत किशोर की। अब पल भर के लिए प्रशांत किशोर ने तो यही कहा ना कि ये फिर पाला बदलेंगे, यू टर्न लेंगे, पलटू राम बनेंगे और BJP से मिल जाएंगे। पल भर के लिए ये मान लिया जाए
कि प्रशांत किशोर ने जो कहा वो झूठा है, तो पलटू राम की जो ब्रांडिंग है वो किसने की है नीतीश कुमार के लिए? याद दिलाना जरूरी है क्या? लेकिन जरूरी है एक बार सबके मन मस्तिष्क में, आज नीतीश कुमार जिसके साथ चिपके हुए हैं, उसी परिवार के हर शख्स ने उनको पलटू राम कहा है। बहुत छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। देखिए बिहार के जनता समझ गया है कि पलटू राम है, पलट गए। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। इतना अच्छा नाम दिया है पलटू चाचा जी। देख रहे हैं ना, चिपक गया है नीतीश कुमार के दिमाग में, मतलब उनके लिए चिपका दिया गया है पलटू राम। अब जब भी इतिहास में उनको याद किया जाएगा ना, अगर इसी सरकार के रहते रहते सारी चीज़ें रह गई आखिर तक, तो भी पलटू राम ही कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि वो पलट गए, हो सकता है इमेज को लेकर के कि भैया पलट जाते हैं, चलते हैं फिर भाजपा के साथ, यहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या भाजपा उसे स्वीकार कर लेगी? उन्हें भाजपा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा ने अब तय कर लिया है मोदी जी के नेतृत्व में कि अब उन लोगों का साथ नहीं लिया जाएगा जो बार बार अपनी विचारधारा को छोड़ करके भ्रष्टाचारी लोगों के साथ, परिवारवादी राजनीति के साथ चिपक जाते हैं। और यही वजह है कि मिशन बिहार अब भारतीय जनता पार्टी के टॉप प्रायोरिटी में है। और एक बात याद रखिए, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इनका टारगेट ये है कि 40 की 40 सीटें बिहार में जीत ली जाएं। पिछली बार गठबंधन के साथ 39 सीटें जीती थी, मोदी जी पर इतना भरोसा है लोगों को, अब ये है कि 40 जीती जाए। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि अरे भैया दिन में ही सपने, सपने नहीं है, मोदी जी से इतना प्रेम करते हैं लोग कि वो जिताते हैं और जिता सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। मैं आपको चार पांच कुछ राज्यों की कहानी दिखाता हूँ। देखिए राजस्थान किसकी सरकार है? कांग्रेस की। सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। दिल्ली आइए, दिल्ली में किसकी प्रचंड जीत हुई? आम आदमी पार्टी की। लेकिन सभी की सभी सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। गुजरात में सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। उत्तराखंड सभी 5 सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में जीत मिली। हिमाचल सभी 4 सीटों पर। कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में 40 सीटों पर कब्जा जमा लेना या जीत लेना कोई असंभव काम नहीं है। और इस समय बिहार की जनता जिस प्रकार से नीतीश कुमार से अजीज आ चुकी है, तेजस्वी यादव के शासन कुशासन को देखकर, जंगल राज को देखकर जिस तरीके से भयभीत है, ऐसे में अगर 40 सीटें जीत ले तो कोई बड़ा आश्चर्य मत कीजिएगा। खैर मैं तो फुटबॉल की बात कर रहा था, थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि जो संदर्भ सामने आते हैं ना उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं लालू की पार्टी पर आता हूँ, कैसे फुटबॉल बनाया जाता है, इसके नेता किसी ना किसी बहाने नीतीश कुमार और उनके नेताओं को बेइज्जत करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन लेटेस्ट से शुरू करता हूँ। अभी हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। और यही नहीं, ललन सिंह ने उनकी जाति पर भी सवाल खड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है, इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से आया? और इसके बाद गालियां भी दी, ढोंगी कह दिया, ये भी सुन लीजिए। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहां से। परंतु मजा देखिए, लालू यादव के ही एक बेटे मंत्री भी हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने तुरंत
मौका नहीं मिला और उन्होंने तुरंत उसे रगड़ दिया। आप देखिए मर्यादाओं की याद दिला दी। उन्होंने क्या कहा है, इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन बयानबाजियों से खासकर बचना चाहिए, और जो जिम्मेवारी हमें मिली है उस जिम्मेवारी को महागठबंधन को निभाना चाहिए। और इतना ही नहीं, नीतीश के सभी नेताओं को हिदायत भी दी, तेज प्रताप दे रहे हैं, सुन लीजिए। केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहेंगे। मगर तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, तो वो मलहम लगाने के लिए पहुंच गए, देख लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। और इसके पहले क्या क्या हो चुका है ये समझने की जरूरत है, तब आपको फुटबॉल का असली मतलब समझ में आएगा। लालू यादव के सबसे करीबी नेता आरजेडी के शिवानंद तिवारी, उन्होंने नीतीश को क्या कहा सरकार बनने के बाद? आश्रम खोल लीजिए। एक आरजेडी प्रवक्ता ने तो टीवी पर सबके सामने ही बेइज्जत कर दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं नीतीश के बारे में। इस पार्टी के सारे लोग। और एक आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और उनके पिताजी, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, आप चाहे कुछ भी बोले, मगर उनके पिताजी जो जगदानंद सिंह है वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने तो खुला ऐलान कर दिया कि 2023 में, अगले साल यानी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जब सारे लोग फुटबॉल की तरह मजा ले रहे हैं ना, तो जीतनराम मांझी, जिन्हें खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में वो बागी हो गए, वो भी मजे ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं नीतीश कुमार के सामने ही उन्होंने कहा कि अब इन्हें सीएम नहीं पीएम कहिए। अरे भाई, जिस पार्टी के सांसदों की संख्या 16 है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, जिसकी खुद की अपनी सरकार बैसाखियों पर चल रही है बिहार में, तो ये तो हाल है। अब मैं कुछ दूसरे नेताओं की कहानियां दिखाता हूं, कैसे नीतीश कुमार को इन्होंने फुटबॉल बनाया। नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी और मोदी जी को रोकने की इच्छा थी, तो सबसे पहले जो उन्होंने बातचीत की वो केसीआर से। वो खुद ही अलग एक दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने के, खुद ही ताल ठोक रहे हैं। और जब पटना पहुँचे तो किस प्रकार से नीतीश कुमार को बेइज्जत किया, आप विजुअल में भी देख सकते हैं, सबने देखा कि गेस्ट जो है वो बिठा रहा है और होस्ट उठ रहा है। ये तो स्थिति है, बैठने उठने में ही सहमति नहीं बन पाई। एक झलक इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रिया में हो गया आपका, कहिएगा वही भैया, भैया प्लीज, मैंने मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो इसके चक्कर में मत करेंगे, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज, सब के बारे में जी बैठिए ना, हो गया चलिए ना छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको देख रहे ना, प्रधानमंत्री बनेंगे दोनों, यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि बैठना है कि उठना है, क्या करना है। और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले, मिशन 2024, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए थे, याद होगा आपको। लेकिन क्या हुआ, राहुल ने उन्हें तुरंत बैरंग वापस भेज दिया। क्यों? खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करनी थी, अब भी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, कितने विवाद खड़े हो गए हैं और किस प्रकार से चुनाव कहीं और है और भारत यात्रा कहीं और कर रहे हैं, तो जीतेंगे क्या, यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर नीतीश कुमार पर आइए, इसके बाद राहुल गांधी ने जो उनका हाल किया वो तो किया ही, केजरीवाल ने भी किया। नीतीश मिशन 2024 के लिए गए थे, लेकिन केजरीवाल तस्वीरों के जरिए गुजरात चुनाव का अंकगणित सेट कर रहे थे, आप देख लीजिए। और इसके बाद केजरीवाल ने क्या किया, मुलाकात की नीतीश कुमार से और खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधे हरियाणा पहुंच गए और मोदी जी की नकल करते हुए मेक इंडिया नंबर वन का मिशन लॉन्च कर दिया। यानी केजरीवाल जी ने भी नीतीश कुमार को फुटबॉल बना दिया। अब आपके मन में
ये सवाल उठ रहा होगा कि नीतीश कुमार इतने असहाय क्यों हो गए। एक मंझा हुआ नेता मामूली बात नहीं है। जिस पार्टी के विधायक सबसे कम हो वही मुख्यमंत्री बना हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं कि एक वो मंझा हुआ नेता है, लेकिन इतना असहाय क्यों हो गया। उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो वजह यह है कि तेजस्वी यादव जिस समय चाहे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाजपा को छोड़कर, नीतीश कुमार की पार्टी को भी छोड़कर सिर्फ दो विधायक कम हैं और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना मजा लिया है ना, जितना कुछ किया है, उसका बदला लेने का यही मौका है। उनको बिठाए रखो और तब उन्हें अपमानित करो। और नीतीश कुमार को ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बुरी नज़र से देखा, अनैतिक रूप से काम किया, तब तब वो परेशान हुए। और उनको तो ये इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए कि यही काम उत्तर प्रदेश में कई नेताओं ने किया था, मौर्य से लेकर तमाम नेताओं ने। आप भूले नहीं होंगे क्या हाल हुआ। यही नियति है नीतीश कुमार की और यही वजह है कि ये घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। साथियों, एक बात आप याद रखिए कि नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के लिए एक केस स्टडी की तरह है। क्या कभी आपने सुना है, मतलब मैं आपको पूछ भी रहा हूं और मुझे भी नहीं लगता कि नीतीश कुमार का नाम किसी भ्रष्टाचार में सामने आया हो। नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति भी नहीं करते या पारंपरिक रूप से भ्रष्टाचार या इस तरह की परंपरागत बुराइयां जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं उसमें भी नीतीश कुमार का नाम नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर रास्ता बुरा हो तो उसके परिणाम भी बुरे होते हैं और सारी अच्छाइयां भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा आप पर हावी हो जाती है और आपके अच्छे कर्म दब जाते हैं। और यही इस समय नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।